ब्लैकमेल कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपको नीचे से नीचे स्तर पर जाने के लिए वो मजबूर कर सकता है, पूरे परिवार को परेशान कर सकता है। ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जितना ही ये आपके लिए इंटरटेनिंग है उतना ही ये खतरनाक भी है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आजकल बच्चों में एक दूसरे से दोस्ती करने की बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी होती है। मैं बारंबार आप लोगों को बोलूँगा कि वैसे व्यक्ति से, वैसे दोस्त से सतर्क रहें जो आपका मिसयूज कर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वैसे लोगों से बेहद सतर्क रहें जो आपका मिसयूज कर सकता है, तो वो अगर मिसयूज करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आजकल सेल के नाम पर ऑनलाइन खरीदारी करने का भी बहुत प्रचलन है। अमेजन पर करते हैं, फ्लिपकार्ट पर करते हैं, और भी जो है सो बहुत सारा शॉपिंग ऐप आ गया है। आज की तिथि में काफ़ी साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड के लोग शिकार हो रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि हम बच्चों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे, और जितना अधिक से अधिक हो सके हम साइबर फ्रॉड किस तरह से किया जा रहा है आज के समय में ठगों के द्वारा, उसको हम अवेयर करें और लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाएं। यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जहां कहीं भी शिक्षण संस्थान है वहां बच्चों को जा कर के हम बताते हैं, वो अपने घर में जाएं, अपने परिवार को, अपने माता पिता को और अन्य सदस्यों को एवं पड़ोसी को इस बारे में वो बताएं, ताकि वो साइबर ठगी होने से बचे। आज हमारे शिक्षण संस्थान में साइबर क्राइम को लेकर चौक थाना अध्यक्ष श्री गौरी शंकर गुप्ता जी ने बच्चों को अवेयर करने का काम किया कि साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, कैसे बैंकिंग में, कैसे नेट के माध्यम से, कैसे बहुत सारे ऐप के माध्यम से लोगों को ठगी कर उनके खाताओं से गाढ़ा मेहनत की हुई कमाई को निकाला जाता है और वो काफ़ी वंचित हो जाते हैं। इसके बारे में उन्होंने बच्चों को जानकारी दी ताकि वो घर पे अपने जाके माता पिता को भी बताने का काम करें, अपने अड़ोस पड़ोस को भी बताने का काम करें, इस तरह का कोई काम ना हो कि जिससे साइबर ठगी हो। साथ ही इंस्पेक्टर साहब ने ये भी बताने का काम किया कि आप सेफ्टी कार्ड लेकर चलिए, हेलमेट का प्रयोग कीजिए, बाइक को गति में ना चलाइए कि जिससे आपके घर में कोई दुर्घटना हो सके। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।